सो गाइस आ चुके हैं आप सबके लिए एक और जर्नी लेकर। आज की हमारी जर्नी जो है गरीब रथ एक्सप्रेस में होने वाली है, जो देख सकते हैं हमारे पीछे जो अभी वाराणसी जंक्शन से आनंद विहार टर्मिनल तक की गरीब रथ एक्सप्रेस जो कि डेली चलती है इस स्टेशन से। ये आज की हमारी जर्नी टोटल 780 किलोमीटर की होने वाली है, लगभग 14 घंटे में हमें ये आनंद विहार टर्मिनल तक पहुंचाने वाली है। दोस्तों आइए हम आपको इस ट्रेन का पूरा स्पेसिफिकेशन दिखाते हैं और ये स्टेशन कौन कौन से हॉल्ट और कहां कहां पर इसके कितने स्टॉपेज हैं ये सब मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। वीडियो में आ चुके हैं तो वीडियो पे एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करें बिना मत जाइएगा, तो बने रहिए हमारे साथ। गाइस आज हम कोच की बात करें तो हमारा कोच रहने वाला जैसे गरीब रथ होता है इसका यूनिक कोड होता है जी, मेरा G2 में इस समय 16 नंबर सीट है यहाँ पर दिखेगा जो, और मैं कोच का इंटीरियर दिखाऊंगा कि इसमें कोच कैसे होता है गरीब रथ का। तो आइए सबसे पहले आप इसका कोच का और इसमें के जो कि सब कुछ लैटरिन बाथरूम जिसका ऐसा है वो भी मैं आपको उसमें दिखाने वाला हूँ। एंट्री भी कुछ इस प्रकार का दिखेगा। आइए सबसे पहले आपको टॉयलेट चेक कराना है। जर्नी स्टार्ट नहीं हुई है, लॉक कर लेता हूँ। कोच काफी पुराना है जिससे लॉक होने थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है। बात करें इसकी साफ सफाई की तो देख सकते हैं मिरर अब लगभग साफ ही है और बेसिन भी कुछ साफ है और बल लाइटिंग की बात करें जो वेस्टर्न स्टाइल का यहाँ पे देखने को मिल रहा है काफी साफ काफी हमें दिख रहा है। देखते हैं जर्नी के अंत तक ये कैसा रहता है। जैसे देख सकते हो मेरे पास यहाँ पर मैंने तकिया और ब्लैंकेट के साथ यहाँ पर एक बेड सीट यहाँ पर इस ट्रेन में आपको अवेलेबल हो जाएगी। ट्रेन में आप संपर्क कर सकते हैं। ट्रेन में बेड रोल जो कि नहीं दिया जाता था अभी तक गरीब रथ में, लेकिन अब इसमें गरीब रथ में भी हमें बेड रोल की सुविधा देखने को मिल जाती है जो कि अच्छी बात है क्योंकि ट्रेन में रात में आपको थर्ड एसी में काफ़ी ठंडी हो जाती है वैसे भी। दोस्तों आई अगला हॉल्ट जो हमारा प्रतापगढ़ रहने वाला है और हमारी ट्रेन का स्टॉप भदोही में सिर्फ 2 मिनट का है, हमें जल्दी से अपनी ट्रेन पर वापस चलना चाहिए। तो खाना पड़ेगा।
संपादन करते हैं इसके अंदर। निर्धारित समय 45 मिनट की देरी से हमारी ट्रेन अभी पहुंच चुकी है प्रतापगढ़ जंक्शन पर। यहाँ पर हमारी ट्रेन का टोटल 5 मिनट का स्टॉपेज है। प्रतापगढ़ जंक्शन प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है और यहाँ पर टोटल डेली लगभग 60 ट्रेनें रुकती हैं और 7 ट्रेनें यहाँ से जनरेट होती हैं और टर्मिनेट भी 7 ट्रेन होती हैं। दोस्तों यहाँ पर टोटल 3 प्लेटफॉर्म है और यहाँ पर देख सकते हैं प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर हमारी ट्रेन अभी लग चुकी है। ये हमारी ट्रेन अभी टोटल 45 मिनट डिले हो चुकी है। ये अभी हंडिया जंक्शन और इधर उसके आगे आके बहुत सिंगल लाइन की वजह से इसने बहुत सारी ट्रेन को क्रॉसिंग दी, इसी वजह से भी 45 मिनट डिले हो चुका है। अगला स्टेशन हमारा रायबरेली जंक्शन आएगा। जैसे मतलब अगला स्टेशन आता है मैं दिखाऊंगा उस स्टेशन पर, बताऊंगा कि ट्रेन की क्या सिचुएशन है और कितना डिले आया ना कवर कर पाती है नहीं। देखिए ये रही अभी हमारी ट्रेन, लगभग यहाँ पर हमारी ट्रेन लगभग जितनी भी सीटें खाली रहेंगी यहाँ भर जाने वाली हैं। यहाँ से बहुत सारे पैसेंजर अभी अभी हमारे ट्रेन को बोर्ड किए हैं, तो देखते हैं कितना देर में ये अगला स्टेशन रायबरेली में पहुँचाती है।
लगभग 50 मिनट देरी से बरेली जंक्शन पर आ चुके हैं और यहाँ से डिपार्चर हो रहा है। अभी मैं आपको नेक्स्ट स्टेशन से इसका पूरा व्यू देने वाला हूँ। यहाँ पर हमारी ट्रेन जो है
22 मिनट की देरी से हम लोग पहुंच चुके हैं अभी मुरादाबाद जंक्शन पर। देख सकते हैं हमारे पीछे हमारी ट्रेन गरीब रथ लगी हुई है दोस्तों। यहाँ से जस्ट अभी ये बरेली टू न्यू दिल्ली इंटरसिटी निकली हुई है। यहाँ से ये ट्रेन अब आगे आगे जाएगी जिससे अब हमारी ट्रेन को बहुत ही प्रॉब्लम होने वाली है। मुरादाबाद जंक्शन की बात कर लें तो यहाँ पर लगभग रोज़ 7 ट्रेनें ओरिजिनेट होती हैं और 7 ट्रेनें यहाँ पर टर्मिनेट होती है। टोटल यहाँ पर 7 प्लेटफॉर्म भी हैं, मतलब 7 का कॉम्बिनेशन अच्छा बैठ रहा है मुरादाबाद जंक्शन के लिए। मुरादाबाद जंक्शन ही हमारी जर्नी का एक मतलब दूसरा लास्ट स्टॉपेज रहेगा, इसके बाद सीधे हमारी ट्रेन आनंद विहार टर्मिनल पर रुकने वाली है। देखते हैं यहाँ पर हमारी ट्रेन का टोटल 8 मिनट का स्टॉप है, उसके बाद ये हमारी ट्रेन अपने डेस्टिनेशन आनंद विहार टर्मिनल के लिए रवाना होगी।
वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं ऐसे किसी और चैनल, तब तक के लिए बाय।